तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और रोज की तरह मैं लाया हूँ हमारे इंडियन मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो की आ रही है जानू स्टंट्स की साइड से। तो अपने न्यू व्लॉग में उन्होंने अनाउंस कराया कि वो ZX Tenar लेने वाले हैं, जो कि ओनली वन इन जम्मू कश्मीर होने वाली है। और जब वो अपनी ZX Tenar लेंगे तो वो एक मीटअप भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जब हम इन्हीं रोडों में भाई ZX Tenar खींचेंगे, जो वन इन जेड के होने वाली है भाई। पूरे जम्मू कश्मीर में भाई ZX Tenar नहीं है एक भी, तो गाइस वो वन इन जेड की होगी तो क्या मजा आएगा यार। एक ही थी भाई ZX Tenar, जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें पता होगा आपको कि भाई एक ZX Tenar वो टोटल लॉस हो गई थी, तो वही थी एक। अब जो मेरी आ रही है वो वन इन जेड की होने वाली है। क्या डिसाइड करके बता दूंगा कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ बाइक, कौन सी डेट को, क्या टाइमिंग वगैरह, तो आप सब मेरे भाइयों ने आना है। बट द थिंग इज कि आमिर माजिद ने भी अपने लास्ट व्लॉग में अनाउंस कर दिया कि ZX Tenar बुक कराने वो दिल्ली जा रहे हैं। कल मॉर्निंग में मैं निकल रहा हूँ सीधा दिल्ली के लिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैं वहाँ से रिटर्न आ जाऊंगा। वहाँ पे अपनी Tenar बुक कर देंगे जल्द से जल्द, एंड फ्रेंड्स भाई से मिलेंगे। कल हमें ओल्ड वाला ड्रैगन भी देखने को मिल जाएगा, जो हमारा पुराना Z900 था। और अभी उनके इंस्टाग्राम से अपडेट आई है कि वो दिल्ली में पहुंच भी गए हैं, तो मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ। सो ड्रैगन, हम सारे मेरे को मेंशन कर रहे हैं कि आमिर भाई श्रीनगर का जो मीटअप है वो कैंसिल हो रखा क्या? भाई मैं ना बाइक बुक करने के लिए आया हूँ दिल्ली में, बिकॉज तुम सबने 10,000 कमेंट्स जो थे वो कर दिए थे। सो बाइक बुक करने के बाद मैं कल या परसों मैं वापस आ रहा हूँ, मतलब फ्राइडे या सैटरडे को। सो संडे को मीटअप होना है अपना। तो भाई आपको क्या लगता है इन दोनों में से ZX Tenar कौन लेगा, जो बनेगी ZX Tenar ओनली वन इन जम्मू? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो की आ रही है UK07 राइडे की साइड से। तो जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने अपनी मस्टैंग GT ले ली है, तो उनके आज वाले व्लॉग में उन्होंने मदर का रिएक्शन बताया जब वो हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहे थे। मैं थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ। हम लोग हैं हाईवे पे और मम्मी को ना इस बारी फुल स्पीड चेक करवाने वाला हूँ। मम्मी तैयार हो आप इसकी पूरी अब स्पीड के लिए? नहीं, 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 नहीं। मैंने भी गाड़ी डाली है स्पोर्ट्स मोड में, बस अभी सामने सीधी रोड का वेट कर रहा हूँ। जैसे सीधी रोड आई उसके बाद फुल एक्सेलरेटर। बात करते हैं राजा DC के बारे में, तो अपने आज वाले व्लॉग में उन्होंने अपने हेटर्स को रिप्लाई करा है, जो कि उनकी मॉडिफिकेशन पे सवाल उठाते हैं। जम्मू में ऐसी मॉडिफिकेशन आज तक हमने कभी भी नहीं देखी। अगर पूरे इंडिया में आपको कहीं RR थिएटर ऐसी दिखती ना तो मेरे को दिखा देना प्लीज, अगर कहीं दिखती है। तो गाइस ये तो मेरे को पता, V3 बोस ने RR थिएटर बहुत ही ज्यादा ऑसम बना दिया, और गुल्लू भाई ने भी। तो मतलब वो सब ज्यादा कमेंट यही आए थे कि भाई ऐसी बाइक, जो दो बाइक है ना जम्मू में, वो हमेशा वन इन जम्मू ही रहने वाली है, एक हमारी KTM और एक हमारी RR। इसके मुकाबले की मुझे नहीं लगता कि कोई जम्मू में कोई बना पाएगा ऐसी बाइक यार, और ना शायद से किसी से बनेगी। तो बाकी हेटर्स हमारी बाइक को देखे बहुत जलते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमारी बाइक के पीछे एक लोगो बना है, वो आपके लिए बनाया है। बाकी अपने इसी व्लॉग में उन्होंने अपनी दिल्ली ट्रिप के बारे में भी अनाउंस करा है। कल क्या पता मैं V3 बोस दिल्ली निकले, क्योंकि उधर ना मेरे कुछ काम है, मेरे को भी कुछ काम है और V3 बोस को भी कुछ काम है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि क्या पता नेक्स्ट व्लॉग दिल्ली में भी आ सकता है। बात करते हैं मानिक अत्री के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है उन्होंने अपने लास्ट व्लॉग में अनाउंस करा था कि वो अपनी श्रीनगर राइड पे निकलने वाले हैं। तो अभी उनके इंस्टाग्राम से एक स्टोरी आई है कि वो निकल चुके हैं अपनी राइड पे, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। बात करते हैं राइडर गर्ल विशाखा के बारे में, तो इनके इंस्टाग्राम से कुछ पोस्ट आउट हुई है कि इनको बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हर। बात कर लेते हैं एक अचीवमेंट के बारे में, तो आलियान व्लॉग्स ने कंप्लीट कर लिया 800K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो भाइयों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट मोटो व्लॉगिंग अपडेट्स। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये मोटो ब्लॉगिंग करेंगे मैं भी इनकी सपोर्ट करूंगा। Lay to head on.